नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट में आई गिरावट, अगले 48 घंटों में पूर्वा हवा बहने से मिलेगी गर्मी से निजात। अनुकंपा पर नौकरी देने के नियमों में किया गया बदलाव। बिहार सरकार ने केंद्र से की 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग। बाहर से आने वाले लोगों को रहना होगा 4 दिनों तक क्वारंटीन। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट में आई गिरावट। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न हुए हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, जहां पिछली लहर में बिहार में इस बीमारी से ठीक होने की दर देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा रही थी, वहीं इस बार ठीक होने वालों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। राज्य में रिकवरी रेट यानी कि कोरोना बीमारी से ठीक होने की दर घटकर 80.36% तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ बीते 24 घंटे में आई रिपोर्ट के अनुसार मौत के मामले में भी उछाल देखने को मिला है। इसके मुताबिक 59 मरीजों की जान कोरोना से चली गई है। वहीं राज्य में बीते 24 घंटे में 11,489 नए मामले सामने आए हैं, जिससे एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बिहार में 69,898 पर पहुंच गया है। महिला पेशेंट की मौत के बाद परिजनों ने NMCH में किया हंगामा। राजधानी पटना स्थित NMCH में भर्ती बक्सर निवासी एक कोरोना पेशेंट महिला की मौत के बाद बीती रात आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। इतना ही नहीं, ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हाथापाई भी की, जिसके बाद सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे वहां भर्ती दूसरे मरीजों व उनके परिजन इलाज रुक जाने से काफी परेशान होते रहे। बताया जाता है कि बक्सर निवासी संक्रमित महिला का ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। उधर महिला की मौत के बाद परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगाने कर हंगामा करने लगे, जिसके बाद सूचना पर अस्पताल अधीक्षक और उपाधीक्षक समेत अन्य लोग मौके पर पहुंचे और हंगामे को शांत कराया। इस बीच पुलिस ने हंगामा कर रहे एक युवक को भी हिरासत में ले लिया। अगले 48 घंटों में पूर्वा हवा बहने से मिलेगी गर्मी से निजात। बिहार में आने वाले दिनों में तापमान का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के पूर्वी भाग में आंधी पानी का असर दिखेगा। वहीं संभावना है कि 25 अप्रैल से राज्य भर में पूर्वा प्रभावी हो जाएगा, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसमविदों के मुताबिक सूबे में पिछले 24 घंटे में बना मौसमी सिस्टम अब पूर्व और उत्तर पूर्व की तरफ खिसक कर चल गया है। इसके प्रभाव से राज्य के पूर्वी भाग में आंधी पानी की स्थिति बनी रहेगी। राज्यभर में अगले 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। बिहार सरकार ने केंद्र से की 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग। राज्य में बढ़ते कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी ना रहे, इसे लेकर राज्य सरकार मुस्तैदी से दवाओं और ऑक्सीजन की कमी पर नजर बनाए रखा है। इस बीच बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से प्रतिदिन 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी पर सरकार की नजर बनी है। इसके लिए क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक की स्थापना और 100 ट्रूनेट मशीन खरीदने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 100 से 500 और स्थायी ऑक्सीजन युक्त बेड सभी जिलों में तैयार करने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा केंद्र की तरफ से 24,604 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी आवंटित की गई है। अब डीएम एसपी संभालेंगे ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेदारी। देश भर में अब ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और सप्लाई की जिम्मेदारी सभी जिलों के डीएम और एसपी की होगी। केंद्र सरकार ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। बीते दिन राज्यों के साथ समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने यह निर्देश दिया है कि जिसके तहत सभी राज्यों में मांग के अनुरूप ऑक्सीजन सप्लाई करने की बात कही गई है। वहीं अगर इसमें किसी प्रकार की भी बाधा आती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उस जिले के डीएम और एसपी की होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। राजधानी पटना की सभी निचली अदालत 1 मई तक रहेंगी बंद। पटना के सभी निचले न्यायालयों में कई वकीलों व कर्मियों के संक्रमित होने व कुछ कर्मचारियों की बीमारी से मौत हो जाने के बाद पटना न्यायमंडल की सभी अदालतों को 1 मई तक बंद करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान रिमांड के अलावा कोई भी काम नहीं किया जाएगा। इस दौरान सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने आवास पर ही रहकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। इसके अलावा सभी न्यायिक पदाधिकारियों को बिना अनुमति के हेडक्वार्टर न छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान 1 मई तक न्यायालय के कर्मियों को अपने अपने मोबाइल फोन से संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों से संपर्क बनाए रखने का निर्देश भी दिया गया है। अनुकंपा पर नौकरी देने के नियमों में किया गया बदलाव। बिहार सरकार ने अनुकंपा पर नौकरी देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी लापता हुए सरकारी सेवकों के लापता होने की तारीख से 12 वर्ष के बाद उनके आश्रित अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने लापता सेवकों को नौकरी देने के मामले में यह बदलाव पटना हाईकोर्ट की सलाह पर किया है और यह फैसला प्रभावी भी हो गया है। पटना हाईकोर्ट में इसके लिए एक महिला ने याचिका दायर किया था।
आईआईटी पटना में बीटेक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा हुई स्थगित। आईआईटी पटना ने बीटेक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 26 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली थी, जिसे अब अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। संस्थान के अनुसार इस परीक्षा के लिए जल्द ही नई तिथि का ऐलान किया जाएगा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संस्थान के कई शिक्षक कोरोना संक्रमण की चपेट में है। हालांकि उनकी रिकवरी तेजी से हो रही है, वहीं कई विद्यार्थी भी क्वारंटीन में है। इस कारण अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इस परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया जाना था, मगर अब अगर जल्द ही सभी विद्यार्थियों को परीक्षा के नए डेट को लेकर नोटिस दे दी जाएगी। बाहर से आने वाले लोगों को रहना होगा 4 दिनों तक क्वारंटीन। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के बाहर से कोई भी व्यक्ति अगर बिहार आता है तो उसे 4 दिन क्वारंटीन सेंटर में गुजारना होगा। इसके लिए सरकार ने सभी अनुमंडलों में सभी सुविधाओं के साथ क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात कही गई है। इसके तहत सभी क्वारंटीन सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके तहत आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर कहा है कि जल्द ही क्वारंटीन सेंटर के लिए भवनों का चयन कर ले। क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने, रहने, बिजली और शौच की पूरी व्यवस्था रहेगी। बिहार के सभी जिलों में बनाए जाएंगे ऑक्सीजन युक्त बेड। राज्य में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य के सभी 38 जिलों में मरीजों के लिए 100 से 500 अस्थायी रूप से बने ऑक्सीजन वाले बेड का निर्माण किया जाएगा। इसकी मदद से गंभीर मरीज को बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था मिलेगी। जिलों के अस्पतालों में ये बेड मुहैया कराए जाएंगे। ऑक्सीजन युक्त अस्थायी बेड को तैयार करने का जिम्मा सरकार ने BMSICL को सौंपा है। आपको बताते चले कि राज्य भर में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी देखी जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार हर कोशिश कर रही है जिससे मरीजों को ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। पटना सहित राज्य के अन्य स्टेशनों से होकर दूसरे राज्यों के लिए चलेंगे स्पेशल ट्रेन। दूसरे राज्यों से लगातार बिहार में यात्रियों का आना जारी है और इस क्रम में गाड़ियों की कमी के कारण भीड़ भाड़ ज्यादा हो रही है, जिसे देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने पुणे से बिहार की राजधानी पटना के रास्ते गुवाहाटी के बीच एक तरफ से स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा गुवाहाटी से कटिहार जंक्शन, न्यू बरौनी जंक्शन, पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जबलपुर के रास्ते पुणे के बीच अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन का परिचालन 24 अप्रैल को किया जाएगा। वहीं कटिहार से अमृतसर के बीच हफ्ते में 3 दिन स्पेशल ट्रेन चलाए जाएंगे, जो कटिहार से खुलने के बाद काढ़ागोला रोड, कुर्सेला, नवगछिया, थाना बीहपुर, मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी जंक्शन, समस्तीपुर, ढोली, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के रास्ते अमृतसर जाएगी। इसके साथ ही छपरा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 26 अप्रैल को किया जाएगा। वहीं कल से समस्तीपुर से राजकोट के लिए भी एक फेरा के लिए स्पेशल ट्रेन चलेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पत्र लिखकर सरकार से की मांग। बिहार में एहतियात के रूप में 15 मई तक सारे निजी व सरकारी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। इस फैसले से निजी स्कूल के शिक्षक व कर्मियों की आर्थिक स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ा है। इसे लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। इसके तहत एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र में लिखा कि शिक्षण संस्थानों के बंद हो जाने से बीते 13 महीनों से किसी भी कर्मी को वेतन नहीं मिल रहा है। अधिकतर अभिभावक फीस नहीं दे रहे हैं। इससे निजी स्कूलों जुड़े शिक्षक के कर्मियों के सामने जीवन यापन के कठिनाई सामने आ गई है। इसे लेकर निजी शिक्षण संस्थानों ने सरकार से स्कूल के मकान का भाड़ा देने, बिजली बिल का भुगतान करने, स्कूल की गाड़ियों के टैक्स और इंश्योरेंस को भरने, स्कूल के कर्मियों को बंद की अवधि तक प्रति माह 10,000 रुपये देने और 50 किलो अनाज देने, रखरखाव के लिए राशि अनुदान के रूप में देने की मांग की गई है। दसवीं ने लोगों की मदद के लिए बनाया डॉक्टरों की टीम। बिहार में कोरोना संकट के बीच कई स्तरों पर सरकार की नाकामी भी सामने आई है। वहीं विपक्ष इस सवाल उठाने से भी पीछे नहीं हटता है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी राजद के चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े 13 डॉक्टरों को संक्रमित मरीजों का इलाज करने और अन्य मदद देने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 13 डॉक्टरों की सूची उनके फोन नंबर के साथ जारी की है। तेजस्वी ने यह सूची जारी करते हुए अब लिखा कि जरूरतमंद लोग कोरोना संबंधित किसी भी जानकारी तथा निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श के लिए राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ के 13 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम के हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, जिसके मुताबिक निर्धारित समय पर डॉक्टर्स द्वारा टेलीमेडिसिन के जरिए यथासंभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। राज्य के फ्रंटलाइन वर्कर्स पर दिखा वैक्सीन का सकारात्मक असर। बढ़ते संक्रमण के बीच बिहार से एक अच्छी खबर भी सामने आई है। राज्य के फ्रंटलाइन वर्कर्स में टीकाकरण होने की वजह से वायरस का असर उन पर काफी कम देखा गया है। वैक्सीन लेने वाले कई स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी संक्रमित तो जरूर हुए हैं, मगर उनमें कोई गंभीर नहीं हुए हैं और अधिकांश कर्मी होम आइसोलेशन में ही ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग इसे वैक्सीनेशन के सकारात्मक परिणाम के रूप में देख रही है। इसी के साथ सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी विभाग कर रही है। इसके साथ ही वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करने की अपील सरकार कर रही है।
चौथी बार जीत के साथ ही आईपीएल पॉइंट्स टेबल में नंबर वन पर पहुंची बैंगलोर टीम। बीते शाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए धमाकेदार पारी में आरसीबी ने शानदार जीत हासिल की और इसी के साथ चेन्नई को पछाड़कर बैंगलोर टीम ने पॉइंट्स टेबल पर पहले स्थान पर पहुंच गई है। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब आरसीबी की टीम ने पहले लगातार चार मैचों में जीत हासिल की है। इसी के साथ चेन्नई अब दूसरे स्थान पर खिसक गई है, तो वहीं ऑरेंज कैप पर कब्जा दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने कर लिया है। वहीं आरसीबी के ही तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने इस सीजन में सर्वाधिक विकेट झटकने के साथ ही टॉप पर चल रहे हैं और पर्पल कैप हासिल किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आज शाम आईपीएल में खेले जाने वाले मैच में पंजाब किंग्स 11 और मुंबई इंडियंस के बीच किस टीम का पलड़ा भारी है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए